हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य का जीवन परमार्थ के लिए हो तभी इस जीवन की सार्थकता है। परमार्थ सभी नहीं कर पाते, इसके लिए उदार हृदय की आवश्यकता होती है। सबसे कम उम्र में फतेहाबाद जिला परिषद की अध्यक्ष रहीं श्रीमती गीता नांगली टोहाना, धर्मपत्नी श्री कृष्ण नांगली टोहाना का हृदय ऐसा है कि वे समस्त जीवों से प्रेम का भाव रखती हैं। आपके संस्कार एवं सादगीपूर्ण जीवन दूसरों को भी प्रेरित करता है। श्रीमती गीता नांगली टोहाना ने कांग्रेस की टिकट के लिए अपनी दावेदारी दर्शाई है। श्रीमती गीता जी सादगीपूर्ण महिला हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी सक्रियता साफ तौर से नजर आती है। बुजुर्गों के प्रति आपका समर्पण देखते ही बनता है। गौ माता के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है। गरीबों की सेवा से आपको परम सुख की अनुभूति होती है। बच्चों की शिक्षा के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप देश और समाज को उन्नति के शिखर पर देखना चाहती हैं। आपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए बेदाग छवि के साथ अपने कार्यकाल में पूरे जिले का समान रूप से विकास किया। श्रीमती गीता नांगली टोहाना का हर कदम अपने क्षेत्र की उन्नति में निहित है। एवन हरियाणा आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।